N51 मुल्तान से शाह महमूद कुरैशी, जैन कुरैशी और मेहरबानो कुरैशी के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए। तफसीलात जानते हैं आज इसके नुमाइंदे नासिर जही से। जी आगाह कीजिएगा। नासिर जुहैर, आप हमारी बात सुन सकते हैं। अपने नाज़रीन को एक बार फिर आगाह करेंगे। NA-151 मुल्तान से शाह महमूद कुरैशी, जैन कुरैशी और मेहरबानो कुरैशी के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए हैं। मलिक आमिर डोगर, जावेद हाशमी के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं। नासिर जहीर हमारे साथ मौजूद हैं। जी नासिर बताइएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन मखदूम शाह महमूद कुरैशी के कागजात नामजदगी जो है वो मुस्तरद कर दिए गए हैं। शाह महमूद कुरैशी की जानिब से कौमी असम्बली के 2 और जबकि सूबाई असम्बली के 1 हल्के के ऊपर जो है वो कागजात नामजदगी जमा करवाए गए थे। तीनों हल्कों से जो है उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं। शाह महमूद कुरैशी के NA-150, 151 जबकि सूबाई हल्का PP-218 से कागजात जब जमा हुए थे वो मुस्तरद कर दिए गए हैं। शाह महमूद कुरैशी के साहबजादे जैन कुरैशी और उनकी साहबजादी मेहरबानो कुरैशी के कागजात नामजदगी भी मुस्तरद कर दिए गए हैं। 150 से जबकि शाह महमूद कुरैशी के मुकाबले में जैन कुरैशी के अलावा जवेद अख्तर अंसारी, राणा महमूदुल हसन समेत 21 उम्मीदवारों के जो है वो कागजात नामजदगी मंजूर किए गए हैं। जबकि 149 के अंदर इस्तकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन के कागजात नामजदगी भी मंजूर कर लिए गए हैं। नासिर जहीर आपका शुक्रिया।